FDM प्रिंटर्स के बारे में हमें पता ही है, जो सबसे बेसिक 3D प्रिंटर्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो FDM प्रिंटर्स को जानने के लिए क्लिक ऑन दी आई बटन और द लिंक्स विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिन प्रिंटर्स के बारे में देखेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, और ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम रेजिन बेस्ड प्रिंटर्स की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे FDM प्रिंटर्स में फिलामेंट यूज होता है, उसी तरह रेजिन बेस्ड प्रिंटर्स में UV सेंसिटिव रेजिन होती है। इसे फोटोपॉलीमर रेजिन भी कहते हैं। ये रेजिन UV लाइट से एक्सपोज होते ही हार्ड प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है। एवरी स्टेप में एक थिन सॉलिडिफाइड रेजिन की लेयर बनती है और स्टेप बाय स्टेप पूरा मॉडल बनाया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पे रेजिन प्रिंटर्स काम करते हैं। रेजिन प्रिंटर्स के कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बस वर्किंग प्रोसीजर डिफरेंट होती है। हम आज जो रेजिन प्रिंटर्स के बारे में जानेंगे, उसके तीन टाइप्स होते हैं। वो है SLA, जो विच स्टैंड फॉर स्टीरियो लिथोग्राफी, DLP विच स्टैंड फॉर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, एंड MSLA विच स्टैंड फॉर मास्ड स्टीरियो लिथोग्राफी। तीनों प्रिंटर में एक बिल्ड प्लेट होती है जो रेजिन से भरे टैंक में डिप की जाती है। रेजिन टैंक के बॉटम पार्ट में एक ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है जिसे FEP शीट कहते हैं। ये शीट नॉन एडिसिव या नॉन स्टिक होती है। रेजिन टैंक के नीचे यूवी लाइट सोर्स होता है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लाइट इसके थ्रू ट्रैवल होके रेजिन पे पड़ती है और रेजिन क्योर हो जाता है, और वो क्योर्ड लेयर बिल्ड प्लेट पर स्टिक हो जाती है। इसे हम बेस लेयर या बॉटम लेयर भी कहते हैं। फिर बिल्ड प्लेट लेयर हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर मूव होती है, और नीचे जो गैप प्रोड्यूस होती है वहाँ फ्रेश रेजिन भर जाता है। फिर सिमिलर प्रोसेस से अगली लेयर भी बनती है। इसी रिपीटेड प्रोसेस से पूरा मॉडल कम्प्लीट होता है। इन तीनों प्रिंटर्स में डिफरेंट यूवी लाइट के सोर्सेज यूज किए जाते हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। स्टीरियोलिथोग्राफी यानी SLA में यूवी लेज़र से सिलेक्टेड पॉइंट पर लेज़र एमिट की जाती है और उस पॉइंट पर रेजिन क्योर किया जाता है। नेक्स्ट DLP में यूवी लाइट एमिट करने के लिए प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है, जो एक इमेज फ्लैश करता है और पूरी लेयर एक साथ क्योर हो जाती है। और आखिरी MSLA में एक LCD स्क्रीन होती है, जहाँ क्योरिंग के लिए LCD पर यूवी लाइट से इमेज जनरेट करते हैं और उतना पार्ट क्योर हो जाता है। अगर आप मार्केट रिसर्च करेंगे तो जानेंगे कि मोस्टली हर रेजिन प्रिंटर MSLA होता है, विच स्टैंड्स फॉर मास्ड स्टीरियो लिथोग्राफी। रेजिन प्रिंटर्स कई साइजेस में मिलते हैं, द स्मॉलेस्ट बीइंग द क्रिएटी 3D LD002R से लेकर बड़े प्रिंटर्स जैसे फ्रोजोन ट्रांसफॉर्म। लेट्स मूव ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ रेजिन 3D प्रिंटर्स। रेजिन प्रिंटर्स में एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, जिसके वजह से मॉडल्स के डिटेल्स अच्छे आते हैं और प्रिंट की सरफेस क्वालिटी भी अच्छी होती है। और इम्पॉर्टेंटली, इसमें प्रिंट एरर भी कम होता है और ये बैच प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसका रेजिन बहुत एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू द फिलामेंट यूज्ड इन FDM। इसमें जो रेजिन यूज़ किया जाता है वो टॉक्सिक होता है, इसीलिए इन्हें हैंडल करते समय यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। प्रिंट के बाद प्रिंट को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में वॉश किया जाता है ताकि एक्सेस रेजिन निकल जाए, और उसके बाद उसे यूवी लाइट से क्योर करना ज़रूरी होता है ताकि ये हैंडल करने के लिए सेफ हो जाए और इसकी सरफेस क्वालिटी भी अच्छी हो। रेजिन के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड रेजिन्स, इंजीनियरिंग रेजिन्स, कास्टेबल रेजिन्स, डेंटल एंड मेडिकल बेस्ड रेजिन्स, जिसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में और डिटेल में जानेंगे। सो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रिंटिंग।